विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से शुभकामनाएं। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के का थीम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रखा गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 वर्षों के लिए डिकेड फॉर इको रेस्टोरेशन की घोषणा की है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा है कि हमारे सामने अभी 3 आपात स्थितियां हैं, जिसमें पहली है बायोडायवर्सिटी का लॉस यानी जैव विविधता का ह्रास, दूसरा है बढ़ता हुआ प्रदूषण और तीसरा है जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं वो। और इन तीनों का सामना करने के लिए सभी देश की सरकारों, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं, सभी बिजनेस हाउसेस और सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा, तभी हम इस नुकसान को रोक सकते हैं। एक बात हमें ये याद रखनी होगी कि हमने प्रकृति का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई हम किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। प्रकृति का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, प्रकृति का पुनर्सृजन नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपनी जो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं और हमें अपने विकास की जो नीतियां हैं वो इस प्रकार बनानी चाहिए ताकि प्रकृति का कम से कम नुकसान हो, हम प्रकृति के अनुरूप चलें, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं। और अगर हम ऐसा कर सके तभी हम वास्तविक रूप में पर्यावरण दिवस मनाना हमारा सार्थक हो पाएगा। और हमें केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हर पल हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को ध्यान में रखकर ही चलना होगा, तभी हम मानव जीवन के अस्तित्व को बचा पाएंगे।